नोएडा के सेक्टर 44 स्थित गार्डन ग्लोरी सोसाइटी के लोग काफ़ी सालों से परेशान हैं। उनका कहना है कि हमसे पैसा लेकर के बिल्डर ने प्राधिकरण को पैसा नहीं दिया, जिस कारण से हमारी रजिस्ट्री जो है घर की नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि हम रोज़ रात को काम करके वापस आते हैं और तुरंत फिर गेट पर धरने के लिए बैठ जाते हैं। हमें डर है कि कहीं हमारा घर हमसे छीन न लिया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आम्रपाली वगैरह में कुछ पैसा पर स्क्वायर फीट, आई थिंक 2000 या 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से बाहर से द्वारा मांगा जा रहा है, जो कि हम अब उस पोजीशन में नहीं है। हम अपने जीवन की सारी गाड़ी कमाई यहाँ लगा चुके हैं और इसके आगे अगर कहीं इस तरह का कोई जर्जेंट आता है तो शायद एक रेसिडेंट के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। पहले बिल्डर ने पूरा पैसा यहाँ के निवासियों से लिया, 591 करोड़ अथॉरिटी का ड्यूज बाकी नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। नोएडा की जो प्रॉपर्टी है वो जो फ्री जो है वो है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वो आज भी नोएडा की प्रॉपर्टी है। भाई नोएडा ने जो है बिल्डर को अलॉट करी और बिल्डर ने हमें दिया है, तो हम तो ट्राइपार्टी, तो इसमें जो है जितना भी जो हमसे बिल्डर ने सारा पैसा ले चुका है और जो उसे किस्तों में देना था नोएडा अथॉरिटी को, वो वहाँ जमा नहीं किया। अभी पीछे जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाए थे कि आप जो भी आपका बकाया उसको 30% दीजिए और आपको पार्ट पेमेंट में जो है हम OC रजिस्ट्री शुरू कर देंगे फ्लैट वाइज, बट उसका भी जो है बिल्डर ने कोई लाभ नहीं दिया। हमसे कहा कि भाई मैं इसमें मेरी बात चल रही है, बट वहाँ पर किसी भी तरीके का आज तक जो है उस नोएडा अथॉरिटी की फाइल पे बिल्डर की तरफ से ना कोई एप्लीकेशन है ना उसे कोई बातचीत की कि भाई कितना मुझ पर ड्यूज़ है। अगर हमने अभी पीछे ड्यूज़ निकलवाया तो करीब करीब 591 करोड़ के आसपास जो है अभी नोएडा अथॉरिटी का है जो इसे देना है बिल्डर को। बिल्डर ने एक भी पैसा आज तक नहीं दिया है। यहाँ पे जितने भी हम और यहाँ पे जो जितने भी हम रेजिडेंट्स हैं, हम अपना जितना भी पैसा है जो हमें देना था अथॉरिटी का, हम वो भी जो है उसे दे चुके हैं। हमारे यहाँ 2009 में यहाँ पे फ्लैट बुकिंग हुई थी और 2009 से अभी तक यहाँ पे हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। बिल्डर के ऊपर 591 करोड़ रुपये अथॉरिटी का बाकी है जो हमने ITR के थ्रू निकाला हुआ है। उसी को हमने बात करके डिप्टी रजिस्ट्रार से यहाँ पे हम लोगों ने चुनाव करा के रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद से भी बिल्डर हमें हैंडओवर नहीं दे रहा है। अथॉरिटी ने भी हमें हैंडओवर का लेटर दिया हुआ है, जारी कर दिया, और डिप्टी रजिस्ट्रार ने दिया हुआ है। उसके बाद भी बिल्डर जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे चुनाव कराना है, विथड्रॉ कराना चाह रहे हैं ताकि ये चीज़ें डाइवर्ट हो जाए। अगले 7 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्डर ने आज तक हमें हमारे पैसों का FMS का हिसाब नहीं दिया। बार बार हम कहते हैं तो धमकाते हैं, हमें पैसों का हिसाब नहीं दे रहे हैं। हमने बोला भाई टावर वाइज हिसाब लगना चाहिए, न सर्विस दे रहे हैं न हमारे पैसों का हिसाब दे रहे हैं। वो पैसों का सारा गोलमोल हो रहा है ताकि वो जनता के तक न जाए, इसलिए हैंडओवर भी नहीं दे रहे हैं न हमारी रजिस्ट्री करा रहे हैं।